हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी की तैयारी बहुत मस्त चल रही होगी। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, कोरोना से बचते रहिए, जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते रहिए, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते रहिए, लाइक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड एवरीथिंग। ठीक है, ओके, सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज करंट अफेयर डेटेड 30 May 2021। I welcome to all to my YouTube channel UPSC PCS Adhyayan. Okay, so let's start our very first topic, that is HRMN. Okay, तो आइए जानते हैं HRMN 99 के बारे में। HRMN 99 एक इनोवेटिव एप्पल वेराइटी है और ये खोजी गई है हिमाचल प्रदेश के एक फार्मर के द्वारा। और इसकी खास बात ये है कि ये सेल्फ पॉलिनेटिंग है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटिंग है और इसको लॉन्ग चिलिंग आवर्स की ज़रूरत नहीं है फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग के लिए। ठीक है, तो ये अप्रोप्रिएट टेम्परेचर जो चाहिए होता है बेसिकली उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है एक तरीके से, तो अगर वो टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग के लिए, अगर वो नहीं भी है फिर भी इसके अंदर फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग होगा। ठीक है, तो किसने खोज करी है? इनका नाम है हरिमन शर्मा, श्री हरिमन शर्मा नाम है इनका। और ये पनियाला विलेज ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं हिमाचल प्रदेश की, जिन्होंने इनोवेटिव एप्पल वैरायटी की खोज करी है जिसका नाम है HRMN 99। ओके, सो दिस हैज़ स्प्रेड टू प्लेन एरियाज में फैला दी गई है, इसको ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में पहुंचा दी गई है ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। और टेम्परेचर जहाँ पे एक्चुअली ये जो प्लेन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज है इसका एक टेम्परेचर रेंज है जहाँ पे 40 degrees to 45 degrees Celsius की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग समर। ठीक है, आगे जानते हैं। HRMN 99 जो है इसकी कमर्शियल कल्टीवेशन जो है इस वेराइटी की, ये शुरुआत कर दी गई है इसकी मणिपुर में, जम्मू में और हिमाचल के जो लो लाइंग एरियाज़ है वहाँ पर, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इसकी शुरुआत हो गई है। और फ्रूट सेटिंग जो है वो अप्रॉक्स 23 स्टेट्स और यूटीज़ के अंदर एक्सपेंड कर दी गई है। हरिमन शर्मा को नेशनल अवार्ड भी मिला था 2017 में ड्यूरिंग 9th नेशनल बायनियल ग्रास रूट इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड्स, उस टाइम के प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रणब मुखर्जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा युवा। ठीक है, तो युवा जो है ये एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर लॉन्च की गई एक प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है जिसके अंदर जो यंग ऑथर्स है, ठीक है, उनको मेंटर करने का काम किया जाएगा। दूसरा, उनके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम करवाने का काम किया जाएगा जिसमें यंग ऑथर्स को और जो बडिंग ऑथर्स है, यंग एंड बडिंग ऑथर्स जो उभरते हुए लेखक है हमारे, उनको ट्रेन करने का काम किया जाएगा। इनकी एज लिमिट दे रखी है यहाँ पे 30 साल से कम होने चाहिए ये। ठीक है, और द लॉन्च ऑफ युवा, युवा के फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ठीक है, तो इसका जो लॉन्च है वो किस ट्यून में हुआ है? जो PM का विज़न है जिसमें वो यंग लेखकों को एनकरेज करेंगे अबाउट राइटिंग अबाउट द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिया के जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में लिखने के लिए वो उनको एनकरेज करेंगे। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है? इंडिया एट द रेट 75 प्रोजेक्ट का पार्ट है ये, आज़ादी का अमृत महोत्सव उसका पार्ट है ये, जिसमें यंग जनरेशन के जो राइटर्स हैं उनको ऐसे उनकी विचारधारा उनके पर्सपेक्टिव ऐसे थीम्स में लेकर के आना जिसमें हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल है जिसमें जो छूटे हुए जो हीरोज़ हैं जिनको हम अनसंग हीरोज़ भी बोल सकते हैं, जिनका जिक्र उतना मुख्य रूप से नहीं किया गया, उनके उनके रोल को ये युवा जो है, मतलब ये अपकमिंग जो ऑथर्स है ये बाहर लेकर के आ सकते हैं। फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लिख सकते हैं जो उस टाइम के छूटे भूले बिछड़े फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। उसके बाद अननोन प्लेसेस और फॉरगॉटन प्लेसेस के बारे में भी ये लिख सकते हैं जिनका नेशनल मूवमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा अदर रिलेटेड थीम्स के ऊपर भी ये लोग काम कर सकते हैं। इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो नेशनल बुक ट्रस्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में आती है। आप सभी को पता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो नया नाम है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ HRD का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, और ये फेज वाइज एग्जीक्यूट की जाएगी अंडर अ वेल डिफाइंड स्ट्रेटजी ऑफ मेन्यू मेंटरशिप। ठीक है, द बुक प्रिपेयर्ड अंडर दिस स्कीम विल बी पब्लिश बाय नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस स्कीम के अंदर जितनी भी बुक पब्लिश की जाएगी वो सारी की सारी बुक जो है वो पब्लिश की जाएगी नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि आपको पता ही है यही इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ठीक है, मिनिस्ट्री का नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये सभी बुक जो है ट्रांसलेट की जाएगी अदर इंडियन लैंग्वेजेस में ताकि हर एक
सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक ये पहुंच सके और हर कोई इनको पढ़ सके और अपने ज्ञान की वृद्धि कर सके। और जो नेशनल मूवमेंट के अंदर हमारे जो अनसंग हीरोज है, फॉरगॉटन प्लेसेस है, उनके बारे में सबको पता चल सके। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ कल्चर होगा, लिटरेचर होगा, देयर बाय प्रमोटिंग एक भारत श्रेष्ठ भारत। और अल्टीमेट जो मोटो है इसके पीछे, वो किस चीज़ को प्रमोट करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो मोटो, उसको प्रमोट करना है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, हाईलाइट्स ऑफ द युवा यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, अ टोटल ऑफ 75 ऑथर्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू एन ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो एक ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट करवाया जाएगा जो कि 1 जून से 31 जुलाई 2021 के बीच में होगा, जिसके अंदर 75 ऑथर जो है उनको सिलेक्ट किया जाएगा और विनर्स का नाम जो है वो 15 अगस्त 2021 को अनाउंस किया जाएगा। यंग ऑथर जो है वो ट्रेन किए जाएंगे बाय द एमिनेंट ऑथर्स और मेंटर्स, और अंडर द मेंटरशिप द मैन्यूस्क्रिप्ट्स विल बी रेडीड बाय 15 दिसंबर 2021 फॉर पब्लिकेशन। ठीक है, और उसके बाद पब्लिश बुक जो है उनको उनका लॉन्च होगा 12 जनवरी 2022 को। किस उस दिन एक दिवस आता है, नेशनल यूथ दिवस। ठीक है, युवा दिवस के दिन जो कि 12 जनवरी 2022 को उसकी किताब की पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, कंसोलिडेटेड स्कॉलरशिप दी जाएगी 50,000 रुपये पर महीना फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, पर ऑथर विल बी पेड अंडर द मेंटरशिप प्रोग्राम। ठीक है, मेंटरशिप स्कीम के अंदर कितने अमाउंट दिया जाएगा, 50,000 पर महीना। ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो विलेज राइस के बारे में आता है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं क्या है। ठीक है, इन अ मेजर बूस्ट टू इंडियाज नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट पोटेंशियल, टू कंसाइनमेंट्स 4.5 मेट्रिक टन ऑफ पेटेंटेड विलेज राइस सोर्स फ्रॉम कुंभकोणम तंजौर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु बाय स्टार्टअप उदय एग्रो फार्म वॉज एक्सपोर्टेड टूडे टू घाना एंड यमन विया एयर एंड सी रूट्स। ठीक है, तो क्या है कि हमारे इंडिया से जो राइस का एक्सपोर्ट होता है वो कौन सी वैरायटी का होता है, ज़्यादातर बासमती राइस का। तो बासमती राइस से अलग कुछ ऐसी वैरायटीज़ है जो नॉन बासमती राइस है, इनका भी एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है वो डेवलप किया जा रहा है इंडिया के अंदर। तो इसी लाइन में एक 4 मेट्रिक टन का एक कंसाइनमेंट पेटेंटेड विलेज राइस है जो कि तंजौर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से का वहाँ पर रहने वाला एक स्टार्टअप है उदय एग्रो फार्म, जहाँ से ये प्रोडक्शन हुआ है नॉन बासमती राइस का और इसको एक्सपोर्ट किया है 2 कंट्रीज़ के अंदर, घाना और यमन के अंदर बाय एयर एंड सी रूट। ठीक है, फिर आइए इसके बारे में और देखते हैं। इसके बारे में क्या है कि ये जो राइस है ये नॉन बासमती राइस है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन पाया जाएगा आपको, फाइबर मिलेंगे, अलग अलग वेराइटीज़ के मिनरल्स मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज अ न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में। ठीक है, तो विलेज राइस जो है ये तंजौर डिस्ट्रिक्ट से सोर्स्ड है। ठीक है, एंड ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसको राइस बाउल भी कहा जाता है तमिलनाडु का। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, मार्च 2021 में पहला कंसाइनमेंट रेड राइस का गया था आसाम से, और ये जो गया है तंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु से सेकंड कंसाइनमेंट है। पहला वाला जो कंसाइनमेंट है वो यूएसए में गया था, उसको हम रेड राइस बोलेंगे, सेकंड वाला जो वो है ये विलेज राइस बोलेंगे। तो आयरन रिच रेड राइस इज ग्रोन इन ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम के अंदर ये रेड राइस ग्रो किया जाता है। कौन सा मिनरल होता है इसमें सबसे ज़्यादा, आयरन होता है। तो विदाउट द यूज़ ऑफ एनी केमिकल फर्टिलाइज़र, ये खास बात है इसकी कि किसी भी तरीके का कोई रासायनिक खाद या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ इसमें नहीं होता। द राइस वेराइटी इज़ रेफर्ड एज अ बाओ धान विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द असमीज फूड। तो ये जो राइस वेराइटी है जो रेड राइस है इसका नाम जो है वो बाओ धान रखा गया है। बाओ धान क्या है, इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द असमीज फूड। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, ओपीवी सजज। तो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोवाल, ठीक है, इनको इन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल को कमीशन किया है जिसका नाम है सजग, एंड डेडिकेटेड इट टू द नेशन फॉर सेफगार्डिंग द मैरिटाइम इंटरेस्ट ऑन May 29, 2021। तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड का एक पेट्रोल वेसल है जिसको हमारे NSA अजीत डोवाल साहब ने कमीशन किया है, और ये सेफगार्ड करेगा मैरीटाइम सिक्योरिटी को, और इसका लॉन्च हुआ है May 29, 2021 को। OPV सजग जो है वो किसने बनाया है, ये बनाया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है,
आईएएस के बारे में जानते थे। तो इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है? कंसेप्ट ऑफ फॉर्मिंग इंडियन कोस्ट गार्ड पोस्ट 1971 के वॉर के बाद आया, जब इट वॉज असेस्ड दैट मैरीटाइम बॉर्डर्स आर इक्वली वाइटल एज लैंड बॉर्डर। जब ये माना गया कि मैरीटाइम बॉर्डर जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है एज ए लैंड बॉर्डर्स, ठीक है। ब्लू प्रिंट फॉर अ मल्टी डायमेंशन कोस्ट गार्ड वॉज कंसिडर्ड बाय द विजनरी रुस्तमजी कमेटी, इवन एज द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉज ऑफ द सी वॉज बींग नेगोशिएटेड एंड इंडियाज एसेट ऑफ मूविंग मुंबई हाई वर ग्रोइंग। ICG वॉज क्रिएटेड थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1978। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो क्रिएशन है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा हुई थी 1978 के। और ये कब हुआ? जब हमारा 1971 के अंदर जो वॉर हुआ था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, ठीक है। तो तब ये माना गया कि जो हमारे मैरीटाइम बॉर्डर्स है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से हमारे लैंड बॉर्डर इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। कॉनराड संगमा GOM। तो बेसिकली क्या है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कॉन्स्टिट्यूट किया है एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, और GOM टू लुक इन टू द मैटर ऑफ कंसेशंस एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम द GST टू कोविड रिलीफ मटेरियल, ठीक है। तो GST के अंदर, GST की जो पेमेंट है इसके अंदर कंसेशन और एग्जेम्पशंस को कंसिडर करने के लिए ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है ये फॉर्म किया गया बाय द यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री। और ये किस वजह से किया गया? कोविड रिलीफ मटेरियल के तौर पर, ठीक है। जो कोविड रिलीफ मटेरियल है उनके ऊपर जो GST है उसको माफ़ करने के ऊपर विचार करने के लिए ये चीज़ की गई है। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय कॉनराड संगमा हैज़ बीन नेम्ड एज द कन्वेनर ऑफ द GOM, ठीक है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो इनको जो चीफ मिनिस्टर है मेघालय के कॉनराड संगमा जो है इनको कन्वेनर एज अ कन्वेनर देखा गया है इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का। और ये कॉन्स्टिट्यूट किया है, इसके अंदर 8 मेंबर है जिसके अंदर डिप्टी CM ऑफ गुजरात भी है जिनका नाम नितिन भाई पटेल है, डिप्टी CM है महाराष्ट्र के अजीत पवार, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ गोवा है मोविन गोडिनो एंड स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ केरला, ओडिशा, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। 43rd GST काउंसिल जो फ्राइडे को मिली उसने रिकमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए GOM टू एग्जामिन इनटू द नीड्स फॉर द फर्दर रिलीफ टू COVID-19 रिलेटेड इंडिविजुअल आइटम्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रवांडन जीनोसाइड का। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने थर्सडे को फॉरगिवनेस फॉर हिज कंट्रीज रोल इन 1994 रवांडन मसाकरे इन विच अबाउट 800,000 पीपल मोस्टली एथनिक तुसीज वर किल्ड। इन्होंने माफ़ी मांगी है रवांडन मसाकरे के लिए जो 1994 में हुआ था जिसमें करीब 800,000 के आसपास जो है वो ये एथनिक तुत्सी ग्रुप के जो लोग हैं मारे गए थे, ठीक है। तो रवांडा क्या है? रवांडा एक लैंडलॉक कंट्री है ग्रेट रिफ्ट वैली में, जहाँ पे अफ्रीकन ग्रेट लेक्स रीजन है और अफ्रीका ईस्ट अफ्रीका का कन्वर्ज होता है। इसकी जो कैपिटल सिटी है वो किगाली है, लोकेटेड एट अ फ्यू डिग्रीज साउथ ऑफ द इक्वेटर। रवांडा जो है ये बॉर्डर है बाय युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। बहुत ज़्यादा हाईली एलिवेटेड है, गिविंग इट टू द सोब्रिक्विट ऑफ द लैंड ऑफ 1000 हिल्स, ठीक है। इसको लैंड ऑफ 1000 हिल्स भी बोला जाता है। डाउरी डेथ की बात करते हैं हम, तो स्कोप ऑफ सेक्शन 304B ऑफ IPC इन डाउरी डेथ वाइडन बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 304B IPC के 304B की जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको वाइडन कर दिया है, स्कोप को वाइडन कर दिया है। तो डाउरी डेथ जो है वो 40-50% होमिसाइड के लिए अकाउंटेड है कंट्री के अंदर फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड फ्रॉम 1999 टू 2018। और 2019 में सिर्फ 7,115 केसेज है डाउरी डेथ के जो रजिस्टर किए गए अंडर द सेक्शन 304B ऑफ द इंडियन पिनल कोड। बट कोर्ट हैव ऑफन ऑप्टेड फॉर अ स्ट्रिक्ट एंड नैरो रीडिंग्स ऑफ द सेक्शन 305B विच वॉज वन ऑफ द मैनी लीगल इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस्ड अगेंस्ट डाउरी, ठीक है। रिसेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोर्ट शुड नॉट इंस्टेड इंटरप्रेट सेक्शन 304B लिबरली वाइल कीपिंग इन माइंड द लॉज इंटेंशंस टू पनिश डाउरी एंड ब्राइड बर्निंग, ठीक है। जो दहेज की वजह से जो औरतों को काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस या फिर कई बार उनको आग लगा दी जाती है, ठीक है। तो इन सभी केसेस को डील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 304B का जो सेक्शन है इसको लिबरली इंटरप्रेट ना करके इसको बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे कि ये सारी जो ऐसे क्राइम्स है ये कम हो सके, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 304B टू मेक आउट अ केस ऑफ डायरी डेथ
अ वुमेन शुड हैव डाइड ऑफ बर्न्स और अदर बॉडीली इंजरीज और अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज. शी शुड हैव सफर्ड क्रुएल्टी और हैरेसमेंट फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन इन लॉज सून बिफोर हर डेथ इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ डाउरी. ठीक है, तो ये सब सेक्शन 304B के अंदर में आता है. तो डाउरी डेथ की अगर हम बात की जाए, तो ओवर द ईयर्स कोर्ट हैड इंटरप्रेटेड द फ्रेज सून बिफोर इन सेक्शन 304B एज इमीडिएटली बिफोर. तो इसमें इसको इंटरप्रेट किया है कि जो सून बिफोर है उसको हटा करके इमीडिएटली बिफोर कर दिया. दिस इंटरप्रिटेशन वुड मेक इट ईजियर फॉर अ वुमन टू हैव बीन हैरेस्ड मोमेंट्स बिफोर शी डाइड्स. ठीक है, और इससे ये हो जाता है कि ऐसा कि जैसे वो मरी है उससे पहले कुछ मोमेंट्स पे उसको हैरेस किया गया है. इन चीज़ों को ये जो वर्ड इमीडिएटली बिफोर ये क्या है, क्लियर कर देता है. तो इससे क्या हो जाता है कि ये इसका जो स्कोप है और ज़्यादा वाइडन हो जाता है सेक्शन 304B का, जिससे क्या नाम है, दोषी को कसूरवार ठहराया जा सके और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. सच एब्सर्ड इंटरप्रिटेशन शुड बी अवॉइडेड. द पैक्स कोर्ट नोटेड इंस्टेड द प्रोसिक्यूशन नीडेड टू शो ओनली अप्रॉक्सीमेट एंड लाइव लिंक बिटवीन द हैरेसमेंट एंड हर डेथ. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं इसमें. कोर्ट फर्दर सेड द फ्रेज अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज इन द सेक्शन ऑल्सो कॉल्स फॉर अ लिबरल इंटरप्रिटेशन. जजमेंट ऑल्सो रेज कंसर्न अबाउट द कैजुअल वे इन विच द ट्रायल कोर्ट्स एग्जामिन एक्यूज्ड पर्सन इन डाउरी डेथ केसेज अंडर सेक्शन 313 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. ठीक है, तो डाउरी डेथ को जो CRPC है उसकी 313 सेक्शन के तहत भी इसको डील करना है. तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेक्शन को आप याद रख सकते हैं IPC के और CRPC के. ठीक है, और जो चीज़ें अमेंड की गई है, जो एक दो टर्म जो अमेंड है वो कर सकते हो. आप ये डेटा मेंस में आंसर राइटिंगली यूज़ कर सकते हो कि 1999 से लेके 2018 तक ऑलमोस्ट एक डिकेड में 7115 केसेस के समथिंग रजिस्टर हुए हैं और 40-50% होमिसाइड के लिए डाउरी डेथ जिम्मेदार है. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं. तो टी एम कलीन नान गाउंडर द लास्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लास्ट सर्वाइविंग मेंबर थे. इनकी 101 साल की एज में मृत्यु हो गई है. ये तिरुचौंगड़े डिस्ट्रिक्ट है कोई तमिलनाडु में, वहाँ की बात है. ठीक है, तो गाउंडर वॉज बॉर्न ऑन January 10, 1921 एट अकारीपट्टी विलेज इन नमक्कल. ठीक है, 1921 में इनका जन्म हुआ. इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया एट द एज ऑफ 19 और पार्टिसिपेट किया किसमें, क्विट इंडिया मूवमेंट में. तो ही वॉज इलेक्टेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाइल ही वॉज 28 ईयर ओल्ड एंड ही वॉज रिपोर्टेडली द यंगेस्ट मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, देन एंड ऑल्सो अ मेंबर ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्रोविजनल पार्लियामेंट, उसके भी मेंबर थे. गाउंडर जो है उन्होंने सर्व किया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन तमिलनाडु एंड ऑल्सो एन MLA थ्राइस. ठीक है, तीन बार MLA भी रहे बिटवीन 1952 एंड 1967. ठीक है, और आगे बढ़ते हैं. तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़रूरी चीज़ आई है, एम्पावरमेंट ऑफ द कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन. मतलब ये जो कोरोना महामारी पेंडेमिक है इसके अंदर बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए जिनके माँ बाप दोनों की मृत्यु हो गई. तो ऐसे बच्चों के एम्पावरमेंट के लिए कुछ स्टेप हमारे गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जा रहे हैं. ठीक है, तो आइए इनको एक बार देख लेते हैं. तो इन अ मेजर रिलीफ अनाउंसमेंट extending much needed support for the children who have lost their parents due to COVID-19, Prime Minister Modi today approved slew of measures under PM Cares for Children scheme. ठीक है, तो इसको अप्रूव कर दिया गया है, PM Cares for Children scheme. स्कीम का नाम आप याद रख सकते हैं, जिसके अंदर फ्री एजुकेशन और करीब 10 लाख रुपए का जो अमाउंट है ये उनको प्रोवाइड किया जाएगा जब वो 23 के एज में अटेन करेंगे. मतलब 23 के एज में जब वो पहुंचेंगे. तो ऑल चिल्ड्रन जिन्होंने अपने बोथ पेरेंट्स को खो दिया है और सर्वाइविंग पेरेंट को भी खो दिया है और लीगल गार्जियन और अडॉप्टिव पेरेंट ड्यू टू COVID-19 विल बी सपोर्टेड अंडर PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम. अंडर द PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी डन थ्रू द PM केयर फंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको जो पैसा दिया जाएगा वो PM केयर फंड से दिया जाएगा टिल द एज ऑफ 18 ईयर टू क्रिएट अ कॉर्पस ऑफ रुपीज 10 lakh for each child orphan due to COVID-19.
तो आइए देखते हैं और इसके बारे में कुछ दो चार बातें। बेनिफिशियरी विल बी गिवन अ मंथली स्टिपेंड फॉर 5 years फ्रॉम 18 years ऑफ एज टिल ही कम्प्लीट 23 years, ठीक है। ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 23 द फुल अमाउंट ऑफ 10 lakh दे दिया जाएगा उसको उसके अकाउंट में। और इंश्योरिंग फ्री एजुकेशन अंडर दिस स्कीम चिल्ड्रन अंडर 10 years ऑफ एज विल बी गिवन एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय एंड प्राइवेट स्कूल वेयर एज प्रोविजन्स हैज बीन मेड फॉर एजुकेटिंग किड्स बिटवीन 11 to 18 years ऑफ एज इन रेसिडेंशियल स्कूल्स इंक्लूडिंग सैनिक स्कूल एंड नवोदय विद्यालय। तो काफ़ी अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। ड्रोन्स के बारे में बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, अच्छा ड्रोन्स से संबंधित जो भी मैटर होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है वो परमिशन ग्रांट करता है। नो परमिशन नो टेक ऑफ, ठीक है। कंप्लेन ड्रोन ऑपरेशन एट 166 एडिशनल ग्रीन जोन टू फैसिलिट स्मूथ एंड प्रमोट ड्रोन ऑपरेशंस इन द कंट्री। तो इसके बारे में देखते हैं कुछ। द अप्रूव्ड साइट ऑल्सो अलाउ ड्रोन यूजेस अप टू 400 feet अबव ग्राउंड लेवल। तो ये 400 फीट ऊपर उड़ाने की इनको परमिशन है। और ये जोन जो है ये 66 ग्रीन जोन के अंदर में आते हैं। लिस्ट ऑफ द अप्रूव्ड ग्रीन जोन कैन बी एसेस्ड फ्रॉम दिस गिवन लिंक। आप लोग डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से आप लोग देख सकते हैं। एज़ पर DGCA अंडर NPNT, NPNT का फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया, नो परमिशन नो टेक ऑफ, ठीक है। कंप्लाइंस एवरी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट हैज़ टू ऑब्टेन वैलिड परमिशन थ्रू द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बिफोर ऑपरेशन इन इंडिया, ठीक है। तो किसी भी ड्रोन के ऑपरेशन से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। कहाँ से लेनी पड़ेगी? डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से, ठीक है। तो फ्रेमवर्क मैंडेट यूजर्स टू रजिस्टर ऑन द ऑनलाइन पोर्टल एंड एक्ट एज द नेशनल अनमैंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट। जो रिमोट से चलते हैं जो एयरक्राफ्ट, उनको अनमैंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा। और फ्लाइंग इन दीज अप्रूव्ड ग्रीन जोन विल रिक्वायर ओनली इंटीमेशन ऑफ द टाइम एंड लोकेशन ऑफ द फ्लाइट्स वी आर डिजिटल स्काई पोर्टल और द ऐप, ठीक है। तो ये सब ग्रीन जोन में जब वो इसमें अगर उड़ाना है ड्रोन को, तो लोकेशन और टाइम जो है ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के द्वारा इंटीमेशन की ज़रूरत है, ठीक है। ड्रोन फ्लाइट्स इन द ग्रीन जोन साइट शैल बी कंप्लाइंट विद द अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम, ठीक है। तो अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम के जो रूल्स है 2021 के, जो 12 मार्च 2021 को पास हुए थे, तो ये जो रूल्स है इसके कंप्लाइंट में उसको ड्रोन फ्लाइट होनी चाहिए ग्रीन जोन्स के अंदर। और अदर एलिमेंट रेलिवेंट ऑर्डर्स गाइडलाइंस इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द सिविल एविएशन। तो इन रूल्स के साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा और भी जो भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करवा रखे हैं, उन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ड्रोन फ्लाइट्स को किया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ गाइस डू सपोर्ट। आपका अपना चैनल है, बहुत छोटा सा चैनल है, अभी ग्रोइंग फेज में है, अभी जस्ट स्टार्ट किया है। प्लीज़ गाइस डू सपोर्ट एंड आई विल वर्क वेरी हार्ड। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड एंड आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट फॉर यू पी एस सी पी सी एस प्रिपरेशन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर।